लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में लग गई हैं और सभी पार्टियां अपनी जीत का दमखम भर रही हैं। वहीं सीलमपुर के ब्लॉक में बहुजन समाज पार्टी ने एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। उत्तर पूर्वी व लोकसभा सीट से प्रत्याशी राजवीर सिंह को बड़े ध्यान से लोगों ने सुना और राजवीर सिंह ने बताया कि इस देश में जाति और धर्म की बात होती है, विकास की और देश की बात ना होके, भारत की और बेरोजगार की बात ना होके, अमूमन देश में धर्म और जाति की बात होती है। पूर्वी दिल्ली और उत्तरी पूर्वी दिल्ली के जो कैंडिडेट हैं उनके सम्मान में इन्होंने समारोह रखा है। उस समारोह में यहाँ इनसे मिलने के लिए, सब लोगों से मिलने के लिए, सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और बहुत पाक महीना आने वाला है 5 तारीख से, ठीक है, उसकी एडवांस में सबको शुभकामनाएं देने के लिए। नहीं, मैंने पहले बोला हमारी टक्कर किसी से भी नहीं है, हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए हैं, अपनी जनता के लिए हैं, जो इन्होंने यहाँ पे गलत काम करके रखे हैं उनके लिए है, हमारी इनसे कोई टक्कर नहीं है। देखिए मनोज तिवारी जी के लिए मैं आपको बार बार कह रहा था, पहले भी कह रहा हूँ अभी भी कह रहा हूँ कि उनको जो 25,000 रुपये जमा कराए हैं वो उनको 1 रुपया भी वापस नहीं मिलने वाला है, इस बार उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। सपना चौधरी भी प्रचार कर रही है, क्या वो देखते हैं? वो मैं भी आपको स्टेज से बताता हूँ कि कैसे देखते हैं। देखिए सपना चौधरी जी का जो इतिहास रहा है वो सारे लोगों ने देखा है, वो मैं मीडिया में नहीं बोलूंगा। उन्होंने जो शब्द बहुजन समाज के लिए इस्तेमाल करा, बाकी लोगों के जो ये जो इस्तेमाल करा, ठीक है, मेरे को नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जैसी को जो जिसकी केंद्र में सरकार है ऐसे लोगों को पार्टी में लेना चाहिए और पार्टी में लेते हुए अपने रथ में बिठाना चाहिए, इससे शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। हम किसी से टकने वाले नहीं है, ना टकने वाले हैं, हम अपने प्रत्याशी को जिताकर भेजेंगे। शीला जी आता है या राहुल जी आता है, हमारे इरादे बुलंद है, उनकी जमानत तो जब्त कराएंगे। उन्होंने देश के साथ में कभी अच्छा नहीं करा, हम अच्छा करने के लिए पैदा हो। इस लोकसभा में मैं अपने विधानसभा से जमानत जब्त करा कर भेज रहा हूँ। ये मुद्दे एक होता बताया भी था, सैकड़ों मुद्दे है, पानी का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, चुकियों का मुद्दा है, महंगाई का, बेरोजगारी का मुद्दा है। सब्सक्राइब करें।